अध्याय 23। तब सारी सभा उठकर उसे पीलातुस के पास ले गई और वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह कहते हुए सुना है। पीलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। तब पीलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, ये गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदियों में उपदेश दे देकर लोगों को उकसाता है। ये सुनकर पीलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और ये जानकर कि वो हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वो भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वो उससे बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पीलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पीलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। पीलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो। देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है, ना हेरोदस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। देखो, उससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वह मनुष्य दंड के योग्य पाया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूं। तब सब मिलकर चिल्ला उठे कि इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वो किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था, पर पीलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। सो पीलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए, और उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे चाहते थे छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब वे उसे लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरैनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो ना जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि
हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। वे और दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट् ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे कि इसने औरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर उसका सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था, ये यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बढ़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थीं। और देखो, यूसुफ नाम एक मंत्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, वो उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न ना था। वो यहूदियों के नगर अरिमतेया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट चोहने वाला था। उसने पीलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। वो तैयारी का दिन था और सप्त का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है। और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सप्त के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया।